सरदार का मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात, हरियाणा, असम में आम आदमी पार्टी से बात तय हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने दे दी है खजुराहो की सीट। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नफे नुकसान को लेकर अब सियासत भी हो रही है। इंडी गठबंधन ने जितने जोर शोर से लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने का दावा किया था, वो दावा समय बीतने के साथ ही हवा हवाई साबित होने लगे। गठबंधन से एक एक कर दल किनारा करने लगे और गठबंधन की गांठ गहरी दिखने लगी। लेकिन इस बीच खबरों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तीन राज्यों में शेयरिंग पर बात बन गई है। मसलन दिल्ली में आप चार तो कांग्रेस तीन सीट पर चुनाव लड़ेगी, गुजरात में दो से तीन सीट पर आप चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक सीट, असम में आपको एक सीट मिलेगी, गुजरात में भरूच और भावनगर आपके खाते में, हरियाणा में अंबाला या सिरसा की सीट मिल सकती है। इस बीच एमपी में कांग्रेस ने एसपी को एक सीट दे दी है। खजुराहो पर एसपी उम्मीदवार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। उधर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनते दिख रही है, तो वहीं इस मसले पर नफे नुकसान को लेकर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने खजुराहो सीट पर कांग्रेस पर छलने का आरोप जड़ दिया। जिस तंग दिली से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दी हैं, उसी तंग दिली से जनता जमानत जब्त कराएगी अब कांग्रेस की। और जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है, वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया, साथ ही कहा कि गठबंधन के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़े बोल बोलने की आदत है, 6 फुट की जवान है, कुछ भी कह सकते हैं वो, लेकिन चुनाव के परिणाम और जनता के बीच का जो भरोसा है वो बताएगा कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। आज क्या हो रहा है किसानों पर, आज क्या हो रहा है विद्यार्थियों पर, आज क्या हो रहा है जो यूपी में के सारे परीक्षा परिणाम लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। ये व्यवस्था है, ये रामराज्य है, इसी रामराज्य से तो जो है जनता अपना मन बनाए बैठी है। आम आदमी पार्टी और सपा के साथ कांग्रेस ने भले सीट बंटवारा कर लिया है, लेकिन अभी भी कई इफ और बट हैं। इंडी गठबंधन का दावा भले ही ऑल इज वेल का है, लेकिन जानकारों की माने तो इस समझौते में कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वार पलटवार तो सियासत की रवायत होती है, लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि जो राह है आसान नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं वो आंकड़े, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो ये रहा है ये आसान नहीं है। क्यों? खजुराहो की बात करें, जो एक सीट दी गई है समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत, खजुराहो में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसके अलावा जो लोकसभा सीट है खजुराहो, उस पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीर शर्मा सांसद हैं उसके, और बीजेपी को यहां 8,11,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का दबदबा है। 99 के बाद से लगातार इस सीट पर बीजेपी का ही उम्मीदवार काबिज हुआ है, जीत कर आया है। 2019 में वीर शर्मा यहां से सांसद चुने गए थे और 8,11,000 से ज्यादा वोट यहां पर बीजेपी को मिले थे। इसीलिए वीडी शर्मा आज कह रहे हैं कि इस बार खजुराहो एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। एसपी को मिले करीब 40,000 वोट यहां पर, और कांग्रेस को कितने मिले? कांग्रेस को मिले 3,18,000 वोट। और यादव और पटेल की संख्या इस इलाके में ज्यादा है, और इसी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यह सीट दे दी है समाजवादी पार्टी को इंडी गठबंधन के समझौते के तहत। लेकिन जो अब तक यह रिकॉर्ड रहा है इस सीट पर, वो बता रहा है कि ये राह इतनी आसान नहीं है। 8 की 8 विधानसभा सीटें, बीजेपी का कब्जा, और लगातार यहां पर बीजेपी ही जीतती आ रही है। खैर,
बढ़ते आगे, भोपाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मोर्चा प्रकोष्ठों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और संभाग प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी के टारगेट पर मंथन हुआ, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान भी बना है। क्या है प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक में मेगा प्लान तैयार किया गया है। मसलन, पीएम मोदी के दिए टारगेट पर हुआ मंथन, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के टारगेट पर बनी रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ने पर चर्चा, 25 फरवरी से 4 मार्च तक संपर्क अभियान, हर हितग्राही से मिलेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। यही नहीं, गांव चलो अभियान के तहत 53,000 बूथों तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और इसके फीडबैक पर भी बैठक में चर्चा हुई है। हम पहले से काम पे तो लगे ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान धारा 370 के लिए जो हुआ, तो उस भाव के साथ हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 वोटों का समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से करेंगे। अगले हफ्ते से बीजेपी के आला नेताओं का दौरा शुरू हो रहा है। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में क्लस्टर की बैठक लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरना चाह रही है और बीजेपी के दिग्गजों का दौरा इसी मेगा प्लान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीते रिकॉर्ड भी बीजेपी के पक्ष में रहे हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी अपनी जीत के लक्ष्य को साधने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। मेगा प्लान क्या है बीजेपी का, वो आपको बताते हैं। यहां बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, दिग्गज नेता अब एक के बाद एक मध्य प्रदेश के दौरे पर नजर आएंगे। लगातार वो जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे। 25 फरवरी को आ रहे हैं अमित शाह और 25 फरवरी को दौरे की शुरुआत हो जाएगी। ग्वालियर क्लस्टर की बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। अगले हफ्ते से ही क्लस्टर की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और अमित शाह यहां पर ग्वालियर क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे, यानी कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आएंगे। लोकसभा में जीत को लेकर रणनीति बनेगी, उस पर लगातार मंथन हो रहा है और उस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए बड़े नेता, दिग्गज चेहरे एक के बाद एक मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद यहां पर भी हो गया है। कोंडा गांव में बीजेपी नेताओं को शाह ने जीत का मंत्र दिया, तो वहीं जांजगीर में कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भरी। उधर उनके दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई है और अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को चुनौती ही नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। जांजगीर चांपा में अमित शाह ने बड़ी सभा को संबोधित किया, केंद्र की योजनाओं की फहरिस्त गिनाई, साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की धाक जमी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील भी की। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, ना छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम। आम सभा से पहले अमित शाह ने कोंडा गांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी के लिहाज से अमित शाह के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। मसलन,
जांजगीर लोकसभा में 8 विधानसभा सीट हैं, सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 1989 में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी, दिलीप सिंह जूदेव ने दर्ज की थी जीत। 5 चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, अब कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। शाह जी की उपस्थिति अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से ये संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो आज अमित शाह जी ने बस्तर से, हमारे बस्तर क्लस्टर में 3 लोकसभा है, महासमुंद, कांकेर और बस्तर। तो बस्तर लोकसभा की तैयारी की शुरुआत उन्होंने कोंडागांव में क्लस्टर बैठक से की। तो ये समझ लें आप कि छत्तीसगढ़ से चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये मान रही है कि विधानसभा में बीजेपी को वोट देकर जनता पछता रही है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 महीने का कार्यकाल है, इससे महिलाएं भी दुखी है, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है। पीएससी के मामले में ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन पीएससी इन जो अभी हुआ है इनके कार्यकाल में, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। महतारी वंदन योजना भरने की बात कही थी, 65 लाख इन्होंने खुद फॉर्म भराए थे और अभी बात कर रहे हैं 62 लाख फॉर्म ही जमा होगा। इसी तरह से किसानों का 31 रुपये का जो किस्त राशि है उसको भी ये लोग दे नहीं रहे हैं, इससे बहुत दुखी है। और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस भले अमित शाह के दौरे को तवज्जो ना दे, लेकिन वो जानती है कि अमित शाह का रणनीति बनाने में कोई सानी नहीं। जांजगीर में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो गौर करने वाली बात यह है, जिन सीटों पर बीजेपी जीतती आ रही है वहां तो फोकस है ही, लेकिन जिन सीटों पर कमजोर है वहां ज्यादा फोकस के साथ काम कर रही है। जांजगीर भी इसीलिए फोकस पर है बीजेपी के। जांजगीर का रिकॉर्ड क्या है वो आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव जांजगीर चांपा में अब तक 17 बार हो चुके हैं, 17 दफा चुनाव हुए, जिनमें से 11 बार कांग्रेस के पक्ष में वोट गया है और 6 बार जीता है बीजेपी का उम्मीदवार। जांजगीर की हम बात कर रहे हैं, 2004 से यहां लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और विधानसभा चुनाव में मिली थी बीजेपी को निराशा। इसीलिए जांजगीर पर है ये खास फोकस बीजेपी का और अमित शाह ने आज यही बात कार्यकर्ताओं से भी कही है और इसीलिए जांजगीर पर अधिक फोकस के साथ रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लहसुन की। क्यों? क्योंकि खेतों में लहसुन की फसल खड़ी है और उसकी निगरानी अब बंदूक के सहारे की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लहसुन की खेती की रखवाली हो रही है बंदूक के सहारे। फसल की रखवाली के लिए बाकायदा यहां पर कैमरे भी लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ जो कुत्ते हैं उन्हें भी तैनात किया गया है चौकसी के लिए, अलर्ट रहने के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि इस बार लहसुन का भाव बहुत ज्यादा है और ऐसे में चोरों की नजर उन पर पड़ गई है। किसान अपनी लहसुन को बचाने के लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। खेत में लहसुन उगल रहा सोना, कीमत भारी इसलिए पहरेदारी। सोने जैसा भाव खेत में किसानों का पड़ाव। सुरक्षा की चिंता, तीसरी आंख से नजर। सावधान, खुखार कुत्ते कर रहे रखवाली। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में लहसुन उत्पादक किसानों में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि लहसुन के भाव आसमान पर हैं या कहें कि सोने के भाव लहसुन बिक रहा है तो गलत नहीं होगा। कभी 5 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन आज 400 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। ऐसे में खेतों में खड़े लहसुन की रखवाली की चिंता भी किसानों को सता रही है। उज्जैन के किसानों ने खेतों में लहसुन की फसल को चोरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बंदूक के साए में लहसुन की फसल की निगरानी के लिए किसान खेतों में पड़ाव डाले हुए हैं।
कारण क्या है, ये लहसुन की बहुत जगह वीडियो देखते हम यूट्यूब के, तो उसमें चोरी क्या आता है कि वहाँ फलाने गांव में लहसुन उखाड़ के ले गए या काट के ले गए, तो उसका कारण चौकीदारी कर रहे हैं इसकी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्या, लहसुन का भाव कुछ तेज है ना इस साल। क्या कारण हो गया ये बढ़ गया? तो लहसुन का रकबा भी कम है इस साल, मौसम के कारण लहसुन भी खराब बहुत हुई है, तो इसलिए भाव टाइट है लहसुन का। कुछ किसानों ने तो हाईटेक तरीका अपनाया है, खेतों में सीसीटीवी तक लगा दिए गए, कुत्तों से खेतों की रखवाली की जा रही है। किसान क्या करें, जिस तरह से कुछ जगह लहसुन चोरी के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से किसान परेशान और चिंतित हो गए हैं। अभी गत वर्ष से ही थोड़े लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं, उसके पहले किसानों ने काफी नुकसान भी उठाया, 100 रुपए क्विंटल भी लहसुन बेची है, पर ये इस बार समय है किसानों को लहसुन के भाव लेने का, तो उसकी रखवाली कहीं कुछ जगह चोरियां भी हुई है लहसुन के खेत, उखाड़ के रात में ले गए चोर, तो अब रखवाली करने के लिए किसान अपनी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे और बंदूक लेकर रात के समय निगरानी करते हैं, रात को यहीं सोते हैं। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ क्षेत्र में किसानों ने निगरानी के लिए खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं, जिससे खेत में लगी फसल और काम कर रहे मजदूरों की निगरानी की जा रही है। एक तो मौसम की मार से किसान परेशान हैं, लेकिन इस बार लहसुन के दाम ने किसानों को एक उम्मीद दी है। ऐसे में किसान किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़े। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में फिल्म स्टार शाहरुख जामनगर के रिलायंस टाउनशिप में रिहर्सल करने पहुंचे थे। शाहरुख खान ने प्री वेडिंग इवेंट की तैयारियों के लिए जामनगर में रिहर्सल किया, इसके बाद शाहरुख जामनगर से मुंबई लौट आए। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो एक रात जामनगर में ही रुके थे शाहरुख खान, और शाहरुख यहां पर आए थे प्री वेडिंग इवेंट की तैयारियों के लिए। जामनगर में उन्होंने रिहर्सल किया, उसके बाद वो जामनगर से मुंबई लौट गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की तैयारियां दिनों जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में फिल्म स्टार शाहरुख खान भी जामनगर के रिलायंस टाउनशिप में रिहर्सल करने पहुंचे थे। प्री वेडिंग इवेंट की तैयारियों के लिए जामनगर पहुंचे थे शाहरुख खान, रिहर्सल किया और उसके बाद जामनगर से मुंबई लौट गए। और अब बात नई खोज की। दरअसल अमेजन के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला है, जो असल में एक नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप अमेजन रेन फॉरेस्ट की गहराई में खोजा गया है। यह सांप इतना बड़ा है कि बड़े बड़े जानवरों को सीधे निगल सकता है। वाइल्ड लाइफ टीवी प्रेजेंटर प्रोफेसर फ्रीक वॉन्क ने इसे खोजा है। सांप का सिर इंसान के सिर के बराबर बड़ा है। सांप का शरीर किसी कार के टायर जितना चौड़ा है। पानी में मौजूद इस सांप के पास दिखाई दे रहा यह शख्स एक प्रोफेसर है, जो सांप के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। एक वीडियो में सांप के साथ तैरते हुए आप देख सकते हैं। और अब आपको इस सांप के बारे में हम बता देते हैं, ये कितना बड़ा है, इसका वजन कितना है। तो सांप का नाम है ग्रीन एनाकोंडा। इसका साइज है 26 फीट लंबा, इसका साइज है एक औसत इंसान से इसका वजन 3 गुना है, 200 किलो इसका वजन बताया गया है। इसका जो सिर है वो इंसान के सिर के बराबर है। शरीर जो है वो एक कार के टायर जितना चौड़ा है। और पहले सबसे बड़ा सांप जो इससे पहले था ग्रीन एनाकोंडा से पहले, वो था रेटिकुलेटेड अजगर, जो करीब 20 फीट लंबा था, 20 फीट 5 इंच लंबा है। और अब ये ग्रीन एनाकोंडा, इसकी जो खोज की गई है। तो इसी के साथ
खबर असरदार में फिलहाल इतना ही, आप खबरों के लिए जुड़े रहिए।